बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीरा का एक नया नाम दिए थे, जो हम लोग भी सुनने में बहुत सा आश्चर्य हुआ कि एक नया नाम दे रहे हैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी। उन्होंने बताए थे कि पासी समुदाय और ताड़ी से जुड़े हुए दिन दुगुनी और रात चौगुनी होगी, लेकिन न जाने कि उन्होंने उल्टा ही कर रहे हैं। 6 सालों में इनका नीरा फैक्ट्री 2 लगा, दोनों बंद है। जहाँ जहाँ नीरा सेंटर इनका खुला बंद है, और उसके वजह में आए दिन बिहार से सैकड़ों लोगों को जबरदस्ती जो है गरीबों को पासी समुदाय को जेल भेजा जा रहा है, जिसको विरोध में हम लोग बिहार विधानसभा 2 मार्च को हम लोग घेराव करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, जब तक आप तारीफ को मैंने नीरा नहीं जब तक आप करते हैं, तब तक हमको तारीफ पर से प्रतिबंध करिए। मैं आप ही के मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप नीरा बोले थे, हम लोग नीरा देने के लिए तैयार है। अगर आप नीरा बनाने में सक्षम नहीं है तो आप तारीफ पर से प्रतिबंध खत्म करें। दूसरी बात कि पूरे बिहार में हमने RTI भी लगा है, कहीं भी कोई तारीफ से नहीं मरा है, कोई भी व्यक्ति तारी से उसका स्थिति खराब नहीं हुआ है। बिहार सरकार ने न जाने कि किस जन्म का जातीय दुश्मनी या कर रही है पता नहीं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तारी से जुड़े हुए लोग हैं, नीरा से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोग की स्थिति डर और भय आक्रांत के माहौल में जी रहे हैं। बहुत सा लोग डर के मारे तार पर से खजूर पड़ के इस समय कोई गिरने का उचित नहीं है, इतने उनको अंदर डर है कि बहुत सा आदमी तार और खजूर पर से गिर कर मर रहा है। हाल फिलहाल में 4 रोज पहले गया में मर गया है, एक जो है 20 दिन पहले शिवहर में खजूर पर, जो ऐसा घटना नहीं होता है। लोगों के अंदर एक डर बैठा, पुलिस प्रशासन का एक खौफ बैठा हुआ, आतंक राज से भी ज़्यादा आतंक राज माननीय मुख्यमंत्री का भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमें से आप नीरा खरीदारी करें, और जब तक आप नीरा खरीदारी नहीं करते हैं तब तक के लिए कानून पर से आप प्रतिबंध को वापस लीजिए। नथनी चौधरी मूर्तिकार, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, न्यू अखिल भारतीय पासी समाज। आज देख रहे हैं 144 को लागू कर दिया गया है, फिर भी हम लोग बैठने वाले नहीं है। ऐसे भी माँ बहनों को जेल भेजा जा रहा है, गाली गुप्ता दिया जा रहा है, जबरदस्ती जेल भेजा जा रहा है। इससे अच्छा है कि हम लोग प्रत्येक आदमी जेल जाने के लिए तैयार। 16 में गांव गांव में PH मीटर कर 1 समूह को 2,67,000 रुपया दिया गया था, वो भी अनार फरान में। उसमें जो समूह में जोड़ा गया उस व्यक्ति को पता नहीं कौन सामान की कितना है, रिपोर्ट का डर था। हाव हाव जबरदस्ती जो है, जिसमें समूह का सचिव अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सबसे चेक पर दस्तखत करवाया गया, सामान सबको रिकवरी कराया गया, बस कहानी खत्म। एक तरह के इस अब इसमें अगर जांच बैठेगी तो बहुत बड़का घोटाला होगा। ये जो जीविका के द्वारा जितने चीज जो संचालित हुई है, बहुत बड़का घोटाला होगा। हमने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को, जितने भी सबों को पत्र लिखे कि आप इस पर संज्ञान लें। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग जो है जितने हाईवे है सबको जाम करेंगे। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।